Hey guys, welcome back to my channel Soumya's Life. Hope you all are doing good guys and here I am Soumya. तो जैसे कि ऑलरेडी आज की थंबनेल एंड टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आप लोगों को ये वीडियो किस चीज़ के ऊपर है. सो इट्स ए रैंडम अमेजन हॉल. तो जो कि मैंने शॉपिंग किया था कुछ कुछ सामान एंड सारे के सारा सामान ना मुझे इतना अच्छा लगा हर एक चीज़. तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, आप लोग के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा. एंड और एक चीज़, सारा का सारा जितना भी सामान है वो लाइक अंडर 500 ही है. एंड मतलब इसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है कि लाइक ये फैशन ब्यूटी एंड लाइक स्किन केयर सबका मिक्स हॉल है, एक वैसा बोल सकते हो. बट या सारा का सारा सामान बहुत अच्छा है. तो चलिए बिना लेट करे स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो. बट अगर वीडियो देखने से पहले आप अपने चैनल पर नहीं हो, प्लेयर विजिट कर रहे हो, देन मेक श्योर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. साथ ही साथ अगर वीडियो देखने के बाद वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे किसी भी रीजन से, देन वीडियो को बिना लाइक किया बिल्कुल मत जाना. एंड जितना भी आइटम मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ सबका जो लिंक है नीचे रहेगा, तो आप वहां से जाके इजीली परचेज कर सकते हो. तो चलिए फिर बिना लेट करे स्टार्ट करते हैं आज की ये वाला वीडियो. हाँ, तो जो पहला चीज है वो है ये एक पैकेट निकाल लेते हैं. तो ये है एक स्लिंग्स पैक इस तरह से, इस तरह लाइक ये ब्रांड जो है ना लीनो पैडसो का जो है, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ. तो ये इस तरह के टैन कलर के बैग है, स्लिंग्स बैग है. एंड इसके साथ जो लाइक इसका जो बेल्ट है उस पर लाइक एडजस्टमेंट भी दे रखा है. तो आप लाइक आपकी जितना भी हाइट है उसके अकॉर्डिंगली इसको फिक्स कर सकते हो, मतलब जितना भी आपको लेंथ चाहिए. एंड अंदर यहाँ पे ज़्यादा पार्टीशन नहीं है, यहाँ पे एक है और वहाँ पे जीप भी दे रखा है आपको. एंड साइड पे यहाँ पे जहाँ पे जीप वगैरह कुछ नहीं है, बट आप छोटा मोटा कोई भी सामान चाहो तो डाल सकते हो. और सबसे अच्छी बात है कि ये जो बैग का जो प्राइस है ना वही लाइक 500 के अंदर है. और उसके हिसाब से बहुत ही जो इसकी क्वालिटी है बैग का वो बहुत ही अच्छा है. अगेन इसका कलर एंड सब कुछ, इसका जो डिटेलिंग से लाइक किसी किसी का आता है ना साइड का जो स्टिचिंग वगैरह है बहुत लाइक अच्छा नहीं होता है, बट इसका हर एक चीज़ जो है बहुत ही अच्छा है. तो उस हिसाब से लाइक प्राइस के अकॉर्डिंगली ये बैग जो मुझे अच्छा लगा. एंड साथ पे यहाँ ना इस तरह से कुछ इसका जो स्टाइल है मैं दिखाती हूँ, अच्छे पता नहीं चल रहा है. हाँ, तो ये जो है ना ये भी अगेन बहुत अच्छा लग रहा है. इसकी जो लुक हो बहुत ही अच्छे से एनहांस कर रहा है इस बैग को. नेक्स्ट आते हैं, ये और एक बैग ही है, बट तो ये मैंने अपनी छोटी बहन लीसू के लिए लिया है. एक्चुअली उसने खुद ही ये पसंद किया हुआ था. ये किस तरह से गर्ल पावर लिखा हुआ है, ब्लैक कलर की है. पर इसकी भी जो अगेन जो क्वालिटी है ना बैग का जो मटेरियल है बहुत अच्छा है. एंड अगेन इट्स फ्रॉम मिनीसो. एक्चुअली अमेजन से लिया है मैंने, बट ये मिनीसो का ही है. एक्चुअली इसको मैंने स्टोर पर भी देखा था एक आधी बार, बट इसका जो लाइक जो फैब्रिक है वो बहुत ही अच्छा है. एंड जीप भी इतना लाइक स्मूथ है ना, बट हाँ एक ही कंपार्टमेंट है अंदर, ज़्यादा नहीं है. बट हाँ ऐसा ठीक ही है, बहुत अच्छा लगा. उसका भी अगेन जो ये अगेन यहाँ पे एडजस्टमेंट है, तो आप इसको भी अगेन आपके हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो. एंड इसमें आई थिंक और दो कलर भी थे, एक शायद ऑलिव ग्रीन एंड वाइट इस काइंड का कुछ कलर था. आप चेक कर सकते हो, नीचे लिंक रहेगा सारा का सारा. ये हो गया, देन नेक्स्ट आते हैं. तो ये मैंने कुछ यहाँ पे रबर बैंड्स लिया हुआ था इस तरह से. और ये जो है ना ब्रांड जो है कुछ ज्वेलर्स गैलेक्सी का, तो इसका जो पैकेजिंग था लाइक जिस तरह से आया हुआ था कुछ इस तरह से, मैं अच्छे से दिखाती हूँ कि ये इस तरह से पाउच पे आया हुआ था. इस तरह से बॉक्स के अंदर एक पाउच था एंड उसमें ये सारा का सारा जितना भी रबर सॉरी तो जितना भी रबर बैंड्स था उसमें ही था. और इसमें एक कुछ नॉर्मल इस तरह से जो रबर बैंड्स होते हैं वो भी था, बट मुझे जो चाहिए था सब गिर गया एक दो. हाँ सॉरी, इसी तरह का ये वाला स्पेसिफिकली मैंने देख के लिया हुआ था. एंड इसका भी प्राइस ना वही कुछ इसमें रबर बैंड कुछ 10 के आसपास है, और पर इसका जो प्राइस था वही 200 या 250 ऐसा कुछ था. बट मुझे ये वाला तो चाहिए नहीं था, चाहिए था ये वाला पर्टिकुलरली, ये वाला चार जो कि है इसमें. आई थिंक और भी कहीं गिर गया शायद, हाँ या फिर चार ही था शायद. ये वाला काफ़ी आजकल लाइक इस तरह से जो रबर बैंड है मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है. और ये एक जो मैट पे भी था लाइक, एंड दो तीन और भी आई गेस एक मैट का था शायद, कहीं गिर गया तो ठीक है, बट ये हो गया. देन नेक्स्ट ये वाला जो रबर बैंड्स, एक्चुअली इनका जो जितना भी पैकेजिंग था ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा.
ये जो पैकेजिंग है इन लोगों का। देन नेक्स्ट आते हैं, देन अगेन मैंने वही सेम ज्वेलर गैलेक्सी से और कुछ मंगवाया था, देखते हैं क्या है। हाँ तो इसमें ये बाद में दिखाती हूँ, पहले ये हो गया, ये कुछ तरह इस तरह से इयर रिंग्स का ना सेट था। अगेन आप देख सकते हो इसकी भी पैकेजिंग कितनी अच्छी है, ये मैंने देख के बस रख लिया था तो निकाल कर। एक्चुअली इन लोगों का पैकेजिंग सच में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। तो इस तरह से कुछ इसमें लाइक तीन छः इयर रिंग्स है, एंड स्पेशली मुझे मतलब ये वाला जो इयर रिंग्स था ना कुछ वुडन का, इस तरह से स्पेशली ये वाला मुझे अच्छा लगा था। एंड इसका टोटल जो प्राइस था ना वो भी अगेन 200 या 250 के आसपास ही था, एंड मुझे चाहिए था सिर्फ ये वाला, तो ये वाला ऑप्शन पे था नहीं, तो उसको लेने के लिए मुझे सारा का सारा लेना पड़ा। बट हाँ 250 के अंदर ये सारा का सारा लाइक आई थिंक बहुत ही एक बढ़िया सा डील है। स्पेशली मुझे ये वाला चाहिए था, ये जो वुडन का इस तरह से है ना, तो ये मुझे बहुत प्रीटी लगा है ना, मैंने देखा भी था आई थिंक किसी इंस्टाग्राम पेज पे, तो ये मुझे मिल गया तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। देन ये एक चेन है, आई थिंक ये पता नहीं वही सेम ज्वेलर गैलेक्सी या फिर कहाँ से था, इस तरह से एक चेन था और उसके साथ दिखाती हूँ मैं, इस तरह से एक पेंडेंट था जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, कुछ लाइक ऐसा सनफ्लावर, एक छोटा सा फ्लावर है एंड उस पर ऐसा डिज़ाइन है कि यहाँ से एक जैसा एक पेटल जो है उसका फ्लावर पेटल वो गिर गया है, उसी तरह से पहले से डिज़ाइन था, आप क्लोजली देख सकते हो, बहुत ही सुंदर लगा अगेन ये मुझे तो। या और इसका लाइक लेंथ भी बहुत अच्छा है, आप एडजस्ट भी कर सकते हो आपके नेक के जितना भी आप चाहो उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। देन ये हो गया, देन मूविंग टू नेक्स्ट, तो नेक्स्ट मैंने लिया था इस तरह से दो इयर रिंग, ये आई थिंक कुछ वोयला से है, तो ये वाला आप देख सकते हो इस तरह से, तो ये बस ऐसे सिंपल सा ही है, ऐसे आपको बस नॉर्मल इस तरह से ही है बस डालना है। बट अगेन इसका जो लाइक फिनिशिंग है ना बहुत ही अच्छा है, अगेन ये भी वही 200 के आसपास ही है, बट इसका जो डिटेलिंग है एंड फिनिशिंग है सब कुछ बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे छोटा छोटा ब्लैक के साथ जो वाइट कलर का जो पर्ल्स का काम किया हुआ है ना वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही प्रीटी सा ये इयर रिंग्स था। देन नेक्स्ट मैंने ये वाला भी लिया हुआ था एक चेन इस तरह से, ये वाला बहुत प्रीटी लगा मुझे अगेन ना, ये वाला जो डिज़ाइन था ना मैंने कहीं पर तो देखा था, आई थिंक शायद कैरेट लाइन या फिर तनीस कहीं पर तो देखा था इस तरह से, लाइक जो एग्जैक्टली जो डिज़ाइन था मंगलसूत्र था या चेन था एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट इसी तरह सेम डिज़ाइन का था। तो ये इस तरह से जो लाइक डेलिकेट जितना भी ज्वेलरी होता है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस तरह से बहुत क्यूट, एंड इसका भी जो फिनिशिंग है ना वो भी बहुत अगेन अच्छा है, मतलब उसका जो स्टोन का शाइनिंग है अगेन वो भी बहुत अच्छा है, तो ये तो लाइक मस्ट बाय है, मैं रिकमेंड करूँगी, बहुत अच्छा लगा मुझे। नेक्स्ट ये और एक इस तरह से चेन था कुछ इस तरह से इविल आई का, थोड़ा सा इसका लाइक जो चेन है वो थोड़ा सा मोटा है इस तरह से, पर सॉरी, तो इस तरह से ये भी आजकल काफ़ी मतलब ट्रेंडिंग पे है, ये वाला जो इविल आई का लाइक जो चेन या फिर इयर रिंग्स इस तरह से बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। अगेन ये पर मैंने खुद के लिए नहीं, ये मैंने मेरी छोटी बहन लिसू के लिए लिया था, उसको ये अच्छा लगा था, तो अगेन इसका भी मुझे जो है बहुत अच्छा लगा, जो क्वालिटी है एंड जो भी है इसका बहुत डिटेलिंग्स भी जो है वो भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट मैंने लिया था ये एक स्विस ब्यूटी का ये एक हाइलाइटर था, तो ये भी मैंने लिसू के लिए ही लिया था, उसको चाहिए था, वो आजकल एक्चुअली नया नया मेकअप कर रही है तो उसके लिए चाहिए था, मेरे पास तो ऑलरेडी है, तो ये मैंने लिया था अगेन उसके लिए, उसके स्किन टोन के हिसाब से आई थिंक ये परफेक्ट रहेगा। ये हो गया, देन अगेन मैंने नेक्स्ट उसी के लिए और एक फाउंडेशन भी लिया था, ये फिटमी का, अगेन इसका जो प्राइस है ना वो 299 है, बट हाँ कुछ डिस्काउंट था इस पर, तो ये भी फिटमी का इन द सेट 128 एक्चुअली है ये, एक्चुअली मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है, अच्छा है ये, ठीक ठाक है, अगर आप बिगनर के हिसाब से यूज करते हो तो ये फाउंडेशन भी ठीक ही है। अगेन ये मैंने उसी के लिए ही लिया था द फिटमी का 128, ये आई थिंक
नॉर्मल हाँ SPF 22 के साथ है। तो पहले पहले मैं भी ये यूज़ कर रही थी, आजकल तो वो मैं लाइक शुगर का फाउंडेशन यूज करती हूँ, बट पहले पहले मैं भी ये फिटमी का आई थिंक यही वाला मैं भी इन द सेट 128 ये वाला ही यूज़ करती थी, क्योंकि ये जो नॉर्मल टोन पे मतलब जो मिड वाला टोन पे यही आई थिंक परफेक्टली जाता है 128 वाला ये वाला जो सेट है। तो अगर आप भी चाहते हो ये वाला ले सकते हो अगेन। देन मैंने अगेन ये वाला एक सॉरी ये फिटमी का नहीं, ये मैबलिन का है, मैबलिन का कंसीलर लिया था इन द सेड ये हाँ 25 मीडियम का है। अगेन ये भी मैंने उसी के ही लिसु के लिए ही लिया था, क्योंकि जैसे मैंने बोला वो आजकल नया नया मेकअप कर रही है फिर सीख रही है, तो लाइक ये वो तो बहुत ही ज़्यादा लाइक बजट फ्रेंडली में आ जाता है ये वाला कंसीलर। बट हाँ इसका जो प्राइस है अराउंड 500 है, बट डिस्काउंट के बाद मुझे कुछ 400 या 380 ऐसा कुछ मिल गया था। तो ये भी आप देख सकते हो एक अच्छा कंसीलर के हिसाब से। देन मैंने खुद के लिए लिया था ये एक स्विस ब्यूटी का जो आजकल आ रहा है, मतलब ये एक लिक्विड आई शेडो है, बहुत अच्छा है। इसका एक्चुअली जो एप्लीकेटर भी है ना वो भी अगेन बहुत अच्छा है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। इसमें भी काफ़ी सारे जो है ना कलर ऑप्शन थे, बट ये कुछ इस तरह से है, बहुत ज़्यादा डार्क मतलब है, बहुत ही लाइक आपको कम लगाने से भी ना चल जाएगा काम, और बहुत ही अच्छी पिगमेंटेशन भी है इसकी, आप देख ही सकते हो। एंड एक बार अगर ये ड्राई हो जाता है ना तो इजीली और निकलता भी नहीं है, तो बहुत अच्छा लगा। अगेन ये भी मुझे जो आई शेडो है ये अगेन बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली इसको अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, मैंने एक ही बार यूज़ किया था, ज़्यादा मैंने नहीं किया हुआ है, बट या मैं ऐसे और दो तीन लेने की सोच सकती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसमें भी काफ़ी सारे कलर वराइटीज़ भी है, तो अगर आप चाहो एक बार इसको चेक कर सकते हो। देन नेक्स्ट मैंने लिया था ये रोज़ हिप का फेस सीरम। एक्चुअली आप में से बहुत लोग मुझे ये पूछते हो कि मैं कौन सा सीरम या क्या यूज़ करती हूँ, तो मैं मोस्टली यही हमेशा आई थिंक दो तीन साल से मैं यही यूज़ करती आ रही हूँ, स्पेशली इन विंटर तो मैं ये करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये वाला जो सीरम है, क्योंकि विंटर पे जो मेरा वैसे तो मेरा स्किन बहुत ही लाइक ऑयली टाइप का है, बट नॉर्मली विंटर पे बहुत ज़्यादा मुझे ड्राइनेस फील होता है, स्पेशली लाइक जो लिप्स के एरिया है एंड फोरहेड्स यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा लाइक ड्राइनेस फील होता है। तो ये आप लाइक यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा सीरम है। एंड इसकी भी जो प्राइस है अगेन वो भी ये 225 का है, कुछ अगर डिस्काउंट होगा तो आपको वही 200 के अंदर आ जाएगा। तो ये भी अगेन बहुत अच्छा एक सीरम है रोज़ हिप का, तो गुड वाइब्स का है ये एक्चुअली, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। लास्टली मैंने ये एक लिया था हैंड क्रीम लिया था एरोमा मैजिक का, ये भी मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ, मैंने पहले भी दो तीन बार आई थिंक दिखाया है। तो अगेन ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका जो लाइक छोटा सा ट्यूब आता है, बट हाँ आराम से दो तीन महीना मेरा चल ही जाता है, कभी कभी एक्चुअली मेरा 5-6 महीना भी चल जाता है अगर मैं कभी कभी क्योंकि भूल भी जाती हूँ। बट लाइक रात को मैं एक बार बेड में जाने से पहले हमेशा मेरी जो बेड साइड टेबल है वहाँ पर ड्रॉप पे रखती हूँ, एक बार रात को मैं बेड में जाने से पहले इसको अप्लाई करती हूँ। आप चाहो तो लाइक दिन में दो बार कर सकते हो, बहुत अच्छा है, बट हाँ एक बार करना लाइक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम अपनी लाइक फेस का स्किन का एंड बॉडी का जितना लाइक मॉइस्चराइज करते हैं मॉइस्चराइजर लगाते हैं उसी तरह से लाइक हाथों का भी वरना बैंड बच जाता है। तो ये आप यूज़ कर सकते हो इजीली, बहुत ही अच्छा एक हैंड क्रीम है। एक्चुअली इसका जो प्राइस भी है ना वो भी आई थिंक काफ़ी रिजनेबल है, 190 का आता है, बट वही आपको 170-180 ऐसा कुछ में मिल जाएगा। तो किसी को अगर चाहिए एक अच्छा सा हैंड क्रीम देन मैं ये लाइक रिकमेंड करूँगी, ये बहुत ही अच्छा है। एरोमा मैजिक का आई थिंक और भी दो तीन आई थिंक फ्रेगनेंस पे है, इसका भी जो फ्रेगनेंस है वो बहुत ही माइल्ड सा है, अच्छा लगता है एक्चुअली। अब मैंने खोला नहीं है क्योंकि मेरा पुराना वाला ख़त्म हो गया था, ये मैंने नया वाला लिया हुआ है। तो बस गाइस यही था आज की छोटा सा एक अमेज़न हॉल, तो होप करती हूँ कि आपको ये हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए। एंड जितना भी मैंने आइटम दिखाया सारा का जो लिंक है वो नीचे रहेगा, तो आप वहाँ से जाके इजिली परचेज कर सकते हो। एंड जल्द ही मैं अभी तो विंटर आ गई है हर जगह पर, तो मैंने सोचा है कि एक अच्छा वाला अमेज़न से विंटर वाला हॉल करूँ, लाइक स्वेटर या फिर स्वेटशर्ट ऐसा कुछ मैंने सोचा है। तो अगर आप देखना चाहते हो हॉल नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा लाइक कर देना, साथ साथ अपने चैनल पे नए हो प्लीज विजिट करो, देन मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, बाय।